हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं हूँ आप सबकी प्यारी एंड चहेती रंजना यादव, और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि चंदा भाभी फला फला पैसा लेके करती हैं चैनल का प्रमोशन, अब इसमें क्या है सच, कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिन फायदा कोई कायदा नहीं बिगाड़ता, ठीक। बिना फायदा का कोई कायदा नहीं बिगाड़ता है। अगर मान लीजिए हम किसी का खेत भी जोतेंगे बोएंगे तो भी हमको उसको आधा देना पड़ेगा, ठीक। तो कोई भी अगर अपने दम पे चैनल इतना मेहनत से उठाया है तो जायज़ सी बात है किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने का वो पैसा लेगा ही, ठीक। पर ऐसी बात नहीं है कि चंदा भाभी ने कोई पैसे वैसे का डिमांड वगैरह किया है, तो सिर्फ चंदा भाभी को बदनाम करने के लिए कुछ औरतें जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी नहीं है, और वायरल नहीं है तो उनका नाम हम क्यों लें, जो कुछ औरतें हैं चंदा भाभी को बदनाम करना चाहती हैं, तो उन्हीं औरतों के लिए हम ये कहना चाहते हैं, कोई फ्री में कोई काम करेगा? तुम आओगी फ्री में और तुम्हारा फ्री में काम किया जाएगा, ठीक है। जब तुम्हें बोलने का ढंग नहीं, तुम्हें बतियाने का ढंग नहीं है, और तुम गई मिल के आई, तुम बुराई कर रही हो इस तरह से एक महिला हो के एक महिला का, ठीक है। वैसे भी कोई भी चैनल का प्रमोशन करता है तो वो पैसा लेता है, ठीक है। वो चाहे हम हों चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, जैसे जिनके बड़े चैनल हो जाते हैं ना, तो वो किसी का गाना वाना अगर अपने चैनल से कम्युनिटी शेयर करते हैं तो उसका पैसा लेते हैं, ठीक है। बिन पैसे का आज के डेट में कोई काम नहीं होता है, लेकिन तब भी चंदा भाभी सपोर्ट करती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो पैसे का डिमांड वगैरह नहीं करती हैं, क्योंकि मैं उनके यहाँ रह चुकी हूँ, मैं उनको जानती हूँ। हाँ, पर इतना है कि कहते हैं ना, आदमियों के दिमाग से औरतों का दिमाग थोड़ा सा माइनस होता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में उनको गुस्सा आ जाता है। और रही बात पैसे वैसे का, तो वो बेचारी का भी पैसे वैसे का डिमांड नहीं करती हैं, किसी भी औरत से नहीं करती हैं, ठीक है। और बात रही, और सबके फैमिली में थोड़ा बहुत मैटर हो ही जाता है, और जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ खनक ही जाते हैं, ठीक है। तो हम भी चंदा भाभी के यहाँ रहे हैं, सम्मान तो करती हैं, ये बात तो है, सम्मान तो करती है बेचारी। और औरतों को आप लोग जान ही सकते हैं, जहाँ चार औरत रहेंगी वहाँ टुन फुन कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा, वो चाहे कितनी भी सीधी सादी औरतें हों, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हों, ठीक है। तो ये जो दो चार औरतें वीडियो बनाई हैं, इनको मैं ये कहना चाहती हूँ, तो ये आप गलत वीडियो बनाई हैं कि चंदा भाभी पैसे लेके प्रमोशन करती हैं या फिर पैसे का डिमांड करती हैं। तो बहन प्लीज़, अगर आपको यूट्यूब में रहना है, हम लोग से रिलेशन बनाए रखना है, तो आप जो चंदा भाभी के विषय में वीडियो डाली हैं उसको चैनल से हटा दीजिए, ठीक है। हम नाम नहीं लेंगे, ठीक। और उम्मीद है कि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अभी मेरे लाइव में जुड़ी थी वो, और उनको मैंने कहा भी था कि इस तरह का वीडियो आप मत बनाइएगा, और हाँ, अगर आपके विषय में कोई वीडियो जाता है तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम वीडियो हटवाएंगे, ठीक। हम लोग को कंट्रोवर्सी नहीं खेलना है, हम लोग यूट्यूब फैमिली हैं, हम लोग अगर एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तो ही हमारी रस्सी, तो ही हमारी बंधन मजबूत रहेगा, ठीक। एकता में शक्ति है, अनेकता में शक्ति और ताकत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा, और हमसे बेटर चंदा भाभी को कोई नहीं जान सकता है। उनको थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा आ जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, ठीक है, या पैसे वैसे का डिमांड करें। हाँ, कहीं ना कहीं से देखी जाए तो दोनों की गलतियां होती हैं, एक हाथ से ताली बजाने से नहीं बजता है, और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो हम आप लोग से बस एक गुजारिश करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि कोई किसी के बारे में गलत वीडियो ना बनाए, एक दूसरे की अच्छाई भी करके वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी बुराई करेंगे तो ही हम यूट्यूब से डॉलर कमाएंगे, हम एक दूसरे का अच्छाई भी करेंगे ना तो भी हम कमाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक दूसरे के विषय में कोई गलत नहीं बोलेगा आज से, और एक दूसरे के विषय में कोई गलत वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक है।
हमारी बात जितने भाई बहन जितने यूट्यूबर को समझ में आई वो लोग प्यारा प्यारा सा लाल दिल भेजे, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आई वो तो बात ही अलग है, क्योंकि समझाया उसको जाता है जो समझने के लायक होता है, समझाया उसको जाता है जो समझने के लायक होता है। और हम उसको थोड़ी ना समझाएंगे कि जो समझने के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमको हिंदू समाज से देख रहे हैं, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जितने हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम। जितने हमारे भीमवादी समाज से देख रहे हैं, सबको नज़रें झुका के, पलकें झुका के, अदबो आदाब से, तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाय बाय।